हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। वी आर न्यूज़ में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 72nd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख जी, और आज के हमारे एपिसोड की टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ CSMT बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नईम सर से। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होंगी दास्तानों में। ई पेपर मिंट 8 अक्टूबर 2020, इसमें ये बताया गया है कि 25 सितंबर 2020 को प्री बिड डिस्कस मीटिंग का एहतमाम की थी रेलवे अथॉरिटीज़ ने फॉर द रिवैम्प ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये 132 साल पुराना स्टेशन है, इसका पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, और कॉरपोरेट के टॉप मोस्ट बिडर कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट ने ये ऑनलाइन वीडियो कॉल में शमूलियत इख्तियार की थी, और रेलवे अथॉरिटीज़ उनकी क्वेरी का जवाब दे रही थी और उनके क्वेश्चन का जवाब दे रही थी कि हाउ कैन रिवैम्प द सच मुंबई आइकॉनिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर CSMT शुमार है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों उसको टच करने की रिवैम्प करने की बात कर रही है? अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जिसका शुमार होता है उसको उस मुल्क की हुकूमत टच भी नहीं कर सकती है, मगर यहाँ पर जो है इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है बाहर के स्ट्रक्चर को टच नहीं करेंगी, वो एज इट इज़ रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि हम इसको प्री 1930 का जो जैसा माहौल था उस माहौल में हम इसको लेकर आएंगे, तो उसके लिए अब इंडियन गवर्नमेंट करेंगी क्या? इंडियन गवर्नमेंट वहाँ की जो हाउसेज है उसको डिमोलिश करेंगी, ऑफिसेज को डिमोलिश करेंगी, बिल्डिंग्स को डिमोलिश करेंगी, और वहाँ पे वो रिफर्बिश्ड स्टेशन बनाएंगी लाइक के सिटी सेंटर मॉल कंप्लीट विथ रिटेल आउटलेट्स, इटरीज, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, होटल्स एंड सोवेनियर शॉप्स अमॉन्ग अदर। इन शॉर्ट जितने भी स्ट्रक्चर है सराउंडिंग टू द सेट CSMT उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमोलिश कर देंगी, तोड़ देंगी, सफेहस्ती से मिटा देंगी। सर डेली 10 लाख कम्यूटर्स जो है CSMT से ट्रेवल करते हैं, अब ये प्रोजेक्ट के बाद इनका क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान बनाया है कि ये जो कम्यूटर्स है पैसेंजर है 10 लाख जो CSMT का डेली इस्तेमाल करते हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो हम अलग तरीके से न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हम इसको डेवलप करेंगे, रिवैम्प करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हिंदुस्तान के 123 रेलवे स्टेशन उसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। अब इन्होंने टॉप 50 रेलवे स्टेशन का शुमार किया है, जिस तरीके से CSMT को भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जहां पे डेली 4.5 लाख पैसेंजर्स सफ़र करते हैं। न्यू दिल्ली के लिए 20 बीडर आए थे, CSMT के लिए 43 बीडर आए थे एक्सक्लूडिंग कंसल्टेंट, और जो बिग बीडर्स थे जो बिल्डर थे जिनके नाम है अदानी ग्रुप, लार्सन एंड टोब्रो, टाटा प्रोजेक्ट, GMR ग्रुप, SL ग्रुप एंड कल्पतरु पावर, ये बिडर्स CSMT को बिट करना चाहते हैं, ये रिवैम्प का काम पूरा लेना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट की मंशा इसमें कुछ और है। ये बिडर को गवर्नमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ 60 साल के लिए लीज करेंगी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ 90 साल के लिए लीज करेंगी। महज 1600 करोड़ के लिए ये CSMT का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, और इसके अवज में जो टॉप मोस्ट बिडर रहेगा उसको 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट जगह मिलेंगी डेवलप करने के लिए। इन शॉर्ट 25 लाख कारपेट स्क्वायर फीट एरिया बिडर को मिलेगा महज इस छोटी सी अमाउंट के अवज में,
जहाँ पे वो मॉल बनाएगा, थिएटर बनाएगा, ऑफिसेज बनाएगा, रेसिडेंट बनाएगा, कमर्शियल बनाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुंह में 1600 करोड़ तो ऐसा है गोया ऊँट के मुंह में ज़ीरा। 1600 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, और इन 1600 करोड़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी प्राइम लोकेशन 25 लाख स्क्वायर फीट एरिया प्राइवेट बिडर को देना चाहती है। ये एरिया के साथ साथ वाड़ी बंदर और बाइकल्या का एरिया भी इनको दिया जाएगा। ये 25 लाख स्क्वायर फीट में इसका शुमार हो रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइकल्या मझगांव में आज रेसिडेंस का पर स्क्वायर फीट 25,000 रुपया है, कॉर्पोरेट के अंदर 1-1.5 लाख रुपया स्क्वायर फीट है। तो इसके अवज़ में 1600 करोड़ के अवज़ में बिल्डर को क्या मिलने वाला है आप जानिए। और ऐसा लगता है हम शहरी खुद यहाँ के विदेशी हो जाएंगे, हमें खुद एक स्टेशन में एंट्री करने के सोचना पड़ेगा। क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 1600 करोड़ के लिए इतनी प्राइम लोकेशन का प्राइवेटाइजेशन करने का। खरबों रुपए का बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये 1600 करोड़ में ये क्या करना चाहते हैं? ये सिर्फ अपने चहेते बिडर्स को, बिल्डर को ये प्राइम लोकेशन लाइक ए फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। नहीं सर, ये जो 1600 करोड़ रुपए का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सीएसएमटी का, क्या ये हमारी लोकल बॉडी जैसे कि बीएमसी से टेक ओवर नहीं कर सकती? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सीएसएमटी जो है एग्जैक्टली बीएमसी हेड ऑफिस के सामने है, और अकॉर्डिंग टू मिड डे 22 जनवरी 2021 ये उसकी फ्रंट पेज की कटिंग है। और इसके पेज नंबर 2 में ये आर्टिकल आया है कि बीएमसी 6,500 करोड़ का बॉन्ड लाना चाहती है कैपिटल मार्केट में। इसमें ये भी बताया गया है कि बीएमसी के पास 80,000 करोड़ रुपया एफडी रखा हुआ है, मगर जब से ये इंटरेस्ट रेट गिरा है इसकी वजह से ये एफडी का प्रॉपर रिटर्न्स नहीं आ रहा है, इसलिए बीएमसी 6,500 करोड़ का बॉन्ड लाना चाहती है कैपिटल मार्केट में। आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू अवर हॉनेबल सीएम श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी टू प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द सेड रिवैम्प ऑफ सीएसएमटी, क्योंकि आपकी बीएमसी के हेड ऑफिस सीएसएमटी के सामने है, और आप लोकल बॉडी हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, तो आप नंबर 1 के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। अदर्स प्राइवेट बिडर्स आके इसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो एमसीजीएम, बीएमसी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसका बेनिफिट क्यों नहीं ले सकते? महज 1600 करोड़ के लिए 25 लाख स्क्वायर फीट का अदर प्राइवेट बिडर, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसका बेनिफिट क्यों नहीं ले सकती? आई मे रिक्वेस्ट टू आवर हॉनेबल सीएम, वी थिंक अबाउट द सेम, प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द रिवैम्प ऑफ सीएसएमटी। और मुझे पूरी उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिफ्यूज़ नहीं करेंगी, आपकी बिट को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीएसएमटी हमारे स्टेट में अदर्स इसका फ़ायदा उठा रहे, क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठे। आई होप आवर सीएम श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे विल थिंक अबाउट द सेम, ही विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट द सेट रिवैम्प ऑफ सीएसएमटी। मेरी पूरी उम्मीद है श्री बाला साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ, और ये इस पर विचार करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये बिड उनको ही मिले, ये मेरी नेक तमन्ना है। खुदा हाफिज़। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसा कि देश में आर्थिक तंगी चल रही है, अभी भी लोग कोविड क्राइसिस से बाहर नहीं आए, उसके चलते ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है 1600 करोड़ का, और जो पार्लियामेंट डेवलपमेंट की बात चल रही है, क्या ये ज़रूरी है इस वक्त? सीएसएमटी को तो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 1600 करोड़ मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लाइक के एक ज़ीरा है ऊँट के मुंह में। 1600 करोड़ कुछ नहीं है, ये महज एक बहाना है, ये 25 लाख स्क्वायर फीट को
प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट बिल्डर प्राइवेट कंसल्टेंट आर्किटेक्ट को देना चाहते हैं, वो भी प्लेट में सजा के, जिसकी एम पॉलिटिकल पार्टी मुखालिफत करती है। सच काइंड ऑफ बिड टू रिवैम्प ऑफ CSMT मस्ट बी स्क्रैप कैंसल फॉरफिटेड। अगर ये हमारे स्टेट की हुकूमत को नहीं मिलता है, BMC को नहीं मिलता है, तो ये अदर बिल्डर्स को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा स्टिक ऑब्जेक्शन है। सच प्राइम लोकेशन शुड नॉट बी गिवन टू एनी प्राइवेट बिल्डर एज आई मेंशन देयर नेम्स अर्लियर। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।